यह है इंग्लिश और ये इसकी हिंदी। एक क्लिक के साथ आप पूरे पीडीएफ को ट्रांसलेट कर सकते हैं, पीसी और मोबाइल दोनों से। मैं आपको मोबाइल से करके दिखा रहा हूँ। मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में आ गए। क्रोम ब्राउजर ओपन करते ही आपको एक थ्री डॉट का आइकन दिखेगा ऊपर कोने में, ये इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे और हमें दिखेगा डेस्कटॉप साइट, ये इस पे हम क्लिक कर देंगे। इस पे आप देख सकते हैं एक टिक का निशान आ गया, इसका मतलब है कि हमारे मोबाइल में कंप्यूटर की तरह साइट ओपन करो। ओके, इसके बाद हम गूगल पे सर्च करेंगे गूगल ट्रांसलेट। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक गूगल ट्रांसलेट का लिंक दिख जाएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन आएगा ब्राउज योर कंप्यूटर। ब्राउज योर कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, इसके बाद फाइल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम वो पीडीएफ सेलेक्ट कर लेंगे जिसे हमें ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे हम आपको वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। यहाँ नहीं मिले तो ऊपर एक जो थ्री डॉट का आइकन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड में है तो डाउनलोड के फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। फिर आप अपने मोबाइल के नाम पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे फोल्डर्स दिखने लगेंगे, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये पीडीएफ ट्रांसलेट करना है, मैंने इस पर क्लिक किया। वो क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिखा देगा इसका ये साइज। अगर आपके पीडीएफ की साइज 10 MB से ज़्यादा है तो आप गूगल पे टाइप कीजिए पीडीएफ कंप्रेसर, वहाँ पे अपना पीडीएफ अपलोड करके उसको कंप्रेस कर लीजिए। अब अगला स्टेप आपको इस एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी लैंग्वेज मिल जाएंगी, जिसमें भी आपको ट्रांसलेट करना है वो यहाँ से चूज कर लीजिए। हिंदी, पंजाबी, जो भी आप चूज करना चाहें। मैं आपको हिंदी में करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से हिंदी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद अब आपको ट्रांसलेट के बटन पे क्लिक करना है। बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। ये आपकी पीडीएफ के साइज के आधार पर टाइम लेगा और ये देखिए ये ट्रांसलेट होना, देखिए इंग्लिश में और ये हिंदी में हो चुका है। इसी तरीके से आप किसी भी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।